हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आप भी चाहते हैं अपने रियलमी के फ़ोन का कुछ नोटिफिकेशन पैनल इस टाइप का करना है? जैसे कि गाइस, आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे फ़ोन के अंदर कंट्रोल सेंटर है, एक MI का बोल सकते हैं इसको आप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एप्पल का। तो गाइस, इसको आप इस तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब कंप्लीट सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स क्योंकि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद गाइस, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली नॉर्मल करके मैं आपके सामने दिखाता हूँ सारा कुछ लाइव। प्ले स्टोर के अंदर हम जाएंगे और ये जो एप्लीकेशन है इसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। एक एप्लीकेशन की मदद से हमने किया है और आपके सामने अभी आपका नॉर्मल हो चुका होगा, ठीक है, नॉर्मल हो गया गाइस। अब आपके सामने हम इसको करते हैं दोबारा से इंस्टॉल और आपके सामने इसको करते हैं हम कंप्लीट सेटअप। तो चलिए गाइस, देखते रहिएगा। सिंपल तरीके से MIUI कंट्रोल सेंटर MIUI 30 Styles इस नाम का आपको एप्लीकेशन है, जो कि आप यहाँ पर देख लें इसको अच्छे से। इसको ही आपको इंस्टॉल करना है, लिंक मैं आपका इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर पाएँ। तो गाइस, यहाँ हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी कुछ सेटिंग्स आपसे मांगेगा, तो आपको ये सेटिंग्स बहुत ध्यान से देनी है इसको। अगर आप इन सेटिंग्स में गड़बड़ करते हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए गाइस, ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, ओके। इसको आप अलाउ करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ से अलाउ कर देंगे, ठीक है। आपको बैक जाना है, यहाँ से बैक जाना है आपको, फिर से इस पर अलाउ करना है, यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है, फिर आपको बैक जाना है, आपको इस वाले पे अलाउ कर क्लिक इनेबल करना है, ठीक है। यहाँ से आपको MIUI 30 पे जाना है, इसको आप इनेबल करेंगे, अलाउ करेंगे, आपको ऐसे हो जाएगा, आपको बैक करना है। आपको लास्ट वाले पे अलाउ करना है, अलाउ करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे अब आप बस आपका काम हो चुका है। यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। आपको इसको नोटिफिकेशन को भी अलाउ रखना है, कंट्रोल सेंटर को भी अलाउ रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपके थीम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, वीवो के थीम्स वगैरह, लॉक स्क्रीन वगैरह आपको देखने को मिल जाती है कि आप कौन सा लॉक स्क्रीन रखना चाहेंगे, ठीक है। ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट आपको होम पे आना है और यहाँ पे आप अब जाके आप देखोगे तो गाइस, यहाँ पे आपका कंप्लीटली नोटिफिकेशन पैनल जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इसको आप और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाइस ये कलर वगैरह है, इनको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि गाइस, ये जो कलर है आपके, ठीक है, टाइटल कलर, इस पर क्लिक करेंगे, इसको आप चेंज करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका, ठीक है, टॉर्च लाइट कलर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे तो आपके कलर ऊपर चेंज हो चुके होंगे, देखा आपने। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।